श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव 554 गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और जमशेदपुर में इस पर्व को सिख समुदाय बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हम जिस जगह में खड़े हैं वह जी टाउन गुरुद्वारा साहिब बिष्टुपुर है, जहां से यह गुरुद्वारा का जत्था या रैली निकलेगा उसकी तैयारी किया जा रहा है। इसी गाड़ी नुमा जो गुरु ग्रंथ है इसमें रखा जाएगा और उसके एक एक चीज़ को चेक किया जा रहा है कि कल गाड़ी पूरी शहर में घूमेगी, उसके हवा, टायर, स्टेयरिंग, उनके पेट्रोल है कि नहीं है, उसमें जो ड्राइवर चलाएंगे वह स्वस्थ है कि नहीं, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और इसी गुरुद्वारा जो ग्रंथ होता है, जिनको इन लोग पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, इसी में रहेगा और यहीं पर पूरे जो गुरु हैं उनको रहेंगे और पूरे प्रसाद शहर में घुमाया जाता है। हर साल की भांति इस गाड़ी को भी धोया गया है, साफ़ सुथरा किया गया, झंडा बांधा गया, फूल लगाया गया और उसमें सब जितने गुरुद्वारा के जो सामान होते हैं उसको लगाया गया। हम क्या क्या सेवा देते हैं, सब दान के दिया हुआ आया हुआ है ना? दान का भी आया हुआ और परचेज भी किया हुआ। परचेज भी किया, कितने अभी तक पूरा? पूरा दान में सेवा इतना देते हैं आदमी? गुप्त दान भी दे देते हैं? गुप्त दान ही है। अच्छा, 2500 किलो चावल है और 500 किलो काफी चना है, 400 किलो दाल है। और भी सुनेगा ना हो गया। हम बात करते हैं कि कुछ कमेटी वाले इसकी तैयारी में सहयोग कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ की इस गाड़ी को चेक किया जाता है? गाड़ी को हर प्रकार से चेक किया जाता है, जिसमें इसमें सजावट, इसकी जितनी भी सजावट है, हमारे कारीगर आते हैं कलकत्ता से, फूल वाले, वो सजाते हैं। इसके बाद इसका गाड़ी का मेंटेनेंस देखा जाता है, कई साल में सिर्फ 2 बार निकलती है गाड़ी, बैटरी चार्ज है नहीं है, सौ वो सब करते हैं इसको। साल में दो बार निकलता है गाड़ी, एक बार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन में, हाँ, और दूसरा गुरु ग्रंथ साहब, अपना गुरु गोविंद सिंह जी के। कितना खुशी लगता है जब ये गाड़ी पूरी शहर में जाती है, हर गुरुद्वारा के लोग इसके पीछे रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो भावना व्यक्त नहीं की जा सकती है, ये अंदर की बात, अपने समझने की बात है, अपनी बात है। इसमें क्या क्या चीज रखा जाता है? हम लोग सिख धर्म के सभी लोगों को पता, लेकिन और भी धर्म वाले हैं उनको नहीं पता, तो आप बताइए इसमें क्या क्या रखा जाता है, कैसे इनकी वहाँ से गुरुद्वारा से क्या चीज इसमें गाड़ी रखा है, फिर साक्षी गुरुद्वारा में क्या होता है? हमारे 5 प्यारे आते हैं, उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ला के पालकी साहब में रखा जाता है। हाँ। और उसके बाद वाहेगुरु के पूरे जत्था इनके साथ चलते रहते हैं, कीर्तन करते हुए पूरे सारे 22 मतलब अपना 34 गुरुद्वारे हैं, सभी गुरुद्वारों के जो अपना कमेटी है पूरे, हाँ, सब। और इसके साथ ही
पूरे मतलब की प्रसाद जो है पूरा यहाँ से लेके साक्षी तक पूरा प्रसाद दिया जाता है, सभी को चढ़ाया जाता है, सभी माथा टेकते हैं, प्रसाद सबको मिलता है और कोई भी आके अपने जो भी श्रद्धा होती है वो प्रसाद चढ़ा सकता है, कर सकता है। अच्छा एक चीज़ देखिए कि जो जो इनके गुरु होते हैं बड़े बड़े तलवार लेकर साफा बांध के वो आगे रहते हैं और वो गुरु के नाम लेते रहते, तो क्या मंत्र बोलते रहते हैं? वो निहंग सिंह होते हैं, अपना जाप करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, उनके पीछे फिर पंच प्यारे रहते हैं, कृपाण लेके चलते हैं, ऊपर भी हमारे पंच प्यारे चलते हैं, खड़े रहते हैं गुरु महाराज जी के। पंच प्यारे किनको बोलते हैं? पंच प्यारे जो समाज के अकाली दल हमारा जमशेदपुर में, वो पंच प्यारे उनके संस्था रहती है, वो पंच प्यारे उनके रहते हैं अकाली दल जमशेदपुर के। और ये इस बार की शुरुआत बिष्टुपुर जी टाउन गुरुद्वारा साहेब से हो रही, इसकी रैली के रूट क्या है, यहाँ से कहाँ जाएंगे? बिष्टुपुर जी टाउन गुरुद्वारा से निकल के यहाँ SNTI लाइब्रेरी है, उसके बाद जी टाउन क्लब है, आगे ट्रैफिक सिग्नल है छगन लाल जी, वहाँ सिग्नल से सीधा हम निकलेंगे जिसको ऑफिस के, फिर कैनन स्टेडियम वाली रोड पकड़कर बागे जमशेदपुर होते हुए साक्षी गोल चक्कर होते हुए साक्षी गुरुद्वारा में संध्या 5 बजे समाप्ति होगी। अच्छा इस बार रैली लगता बहुत शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रैली आते हैं, कभी जुगसलाई से आते हैं, कभी टेल्को से आते हैं, तो इस बार बिष्टुपुर से एकदम डायरेक्ट साक्षी? ये लॉटरी सिस्टम से इन्होंने सेवा मांगी, 32 गुरुद्वारे हैं जमशेदपुर में, एक इन्होंने सेवा मांगी, बिष्टुपुर गुरुद्वारे के प्रधान साहब हैं, इन्होंने सेवा मांगी, इनको सेवा मिली। ये ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं रहता कि बिष्टुपुर से निकलेगा या कहीं, समाप्ति साक्षी में होती है, क्योंकि साक्षी सेंटर से पड़ता है, सब सेंट्रल गुरुद्वारा भी वहीं पे समाप्ति होती है वहीं पे। अच्छा ये लॉटरी सिस्टम से होता है, 32 गुरुद्वारा की लॉटरी होता है? एक साइड जैसे अभी गुरु गोविंद सिंह जी का आएगा, तो हम लोग ऐसा प्लान करते हैं जैसे एक साइड इस साइड बिष्टुपुर का निकला, अब नेक्स्ट टाइम टेलको साइड का पकड़ लें, कुछ ऐसा डिसाइड होता है, बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जैसा जिसका निकल। देखिए भगवान की सेवा करना इतना आसान नहीं है, भगवान जब तक उनको नहीं बोलेंगे तब तक नहीं आएगा। और एक गुरुद्वारे का क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, 32 गुरुद्वारे हैं, 32 गुरुद्वारे में लॉटरी होता है, और जहाँ गुरुदेव जी को जहाँ जाना है, जिस गुरुद्वारे के शरण जाना है, उसी गुरुद्वारे से शुरुआत होती है। और 2023 की शुरुआत गुरु नानक देव जी सिंह जी, गुरु नानक देव जो प्रकाश उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है, और उनकी शुरुआत जी टाउन जो साहेब गुरुद्वारा है वहाँ से किया जा रहा है, और उसकी शुरुआत कल होगी, लेकिन उनकी तैयारी अभी से हो चुकी है, सब तैयार हैं कि हमें कब बाबा जी के, गुरु नानक जी के, हम उनके उत्सव में फूल की माला, कोई ग्लूकोज लेकर, कोई फल लेकर, कोई फल उनके लिए हर तैयार है। भगवान जिस प्रकार भगवान स्वर्ग से आते हैं, उसी प्रकार इस गुरुद्वारा की सेवा करने के लिए पूरी सिख समुदाय लगे रहते हैं। यह तो अभी शुरुआत है, कल आपको दिखाएंगे तोरण द्वार, कल गुरुद्वारे की जो लंगर चल रही वो दिखाएंगे, कल आपको रैली दिखाएंगे, लेकिन गुरु नानक देव सिंह जी प्रधान प्रकाश वर्ष की तैयारी हो चुका है। और आप देखिए कि क्या बोल रहे सेवक जी, क्या बोल रहे हैं? हमारे गुरुद्वारे में कल लंगर होगा, करीब 35,000 से 40,000 लोगों का लंगर खिलाया जाएगा। 35,000 से 40,000 लोगों की लंगर खिलाया जाएगा, और यह लंगर सिर्फ सिख समुदाय नहीं है, आप भी आ सकते हैं गुरुद्वारा में, उनकी सम्मान के लिए सर में साफा बांधा जाता है, क्योंकि वहाँ ऐसे नियम है, प्रोटोकॉल है। और उसके बाद पूरे विश्व के जहाँ जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ वहाँ लंगर चलता है। यह भगवान गुरु की दया है, जिस प्रकार गुरुदेव नानक सिंह जी ने जब अपनी 13-13 करके पूरी सब कुछ गरीबों के लुटा दिया, यही सेवा है जो सिख समुदाय लगातार करते हुए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।